कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरा तजुर्बा भी, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा। वीडियो को एडिट करने से पहले सबसे पहले हमें अलर्ट मोशन ऐप को खोल लेना है, और अलर्ट मोशन खोलने के बाद हमको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, एक दो सेकंड वेट करना पड़ेगा, यहाँ से खुल जाएगा। तो नीचे बीच में दिया प्लस वाला आइकन पे, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर कोने में दिया है नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट, यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। और इतना करने के बाद फिर से नीचे कोने में दिया प्लस वाला आइकन, इस पर क्लिक करेंगे और मीडिया पर चले जाएंगे, और यहाँ से हमें जिस वीडियो को एडिट करना है उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग को इस वीडियो को एडिट करना है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो पर जब क्लिक करेंगे और ऊपर थ्री डॉट पर जाएंगे और फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देंगे, जिसे वीडियो पूरा फिल हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से इफेक्ट, यहाँ पर यहाँ से एक लेयर ऐड करेंगे, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से एक लेयर ऐड कर लेंगे। लेयर ऐड करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद फिर जाएंगे हम लोग इफेक्ट पे, और इफेक्ट पे जाने पर ऐड इफेक्ट करेंगे, और यहाँ से कॉपी बैकग्राउंड सर्च मारेंगे, कॉपी बैकग्राउंड सर्च मारेंगे, यहाँ से फिर इसको क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ से बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद हम लोग फिर इफेक्ट पर जाएंगे और सर्च मारेंगे स्पॉट कलर, ऐड इफेक्ट करेंगे और सर्च मारेंगे स्पॉट कलर। स्पॉट कलर सर्च मारने के बाद इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इस पर फिर से इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है रेड वाले पर क्लिक करके यहाँ से रेड से जो है इसको चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद थ्रेशोल्ड को पूरा 200 पर कर देंगे, और चौक को जो अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। तो मैं बता देता हूँ कितने पे सेट करना है आप लोगों को, 1.30 पर सेट कर लेंगे इसको हम लोग, 2.30 पर इसको सेट कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पर एयरबैग क्लिक करेंगे और बैक जाएंगे, फिर इफेक्ट पर जाएंगे और यहाँ से सर्च मारेंगे रिप्लेस कलर, रिप्लेस कलर, तो यहाँ से रिप्लेस कलर को ऐड कर लेंगे फिर से स्टैंडर्ड सेटिंग क्लिक करके, और रिप्लेस वाले कलर पर क्लिक करेंगे, और फिर से हम लोग यहाँ पर ऊपर रेड वाले पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दिया हुआ है कौन नीचे रेड कलर के ऊपर दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे हम लोग। इस पर क्लिक करने के बाद जो हम लोग इसको 80 डिग्री पर सेट कर देंगे, इसको 80 डिग्री पर सेट कर देंगे। 80 डिग्री सेंड करने के बाद नीचे वाले कौन हो जाए 71 पर सेट कर देंगे, 71 पे, और उसके नीचे वाले को जो है हम लोग 40 पर सेट कर देंगे। इतना करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर सही वाले क्लिप पर कर देंगे और फिर से नीले वाले पर जाएंगे। नीले वाले जाने के बाद फिर से हम लोग जो है वही काम करेंगे, फिर इस पर जाएंगे और इसको सेट करेंगे नीले वाले को, हम लोग इसको जो है 0 डिग्री पर सेट कर लेंगे, 0 डिग्री पर, इसको भी 0 कर देंगे, इसको भी 0 कर देंगे, और इसको 29 पर सेट कर देंगे, 29 पर सेट कर देंगे इसको नीचे वाले को, 29 29। अरे यार घटता है, बढ़ जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है, इसको आप लोग 29 पर सेट कर लीजिएगा। अरे बड़ी समस्या है भाई, चलो 29 30 पहुँच जा रहा है, 29 पे इसको रुक जाओ सेट करता हूँ मैं। ट्वेंटी नाइन पर सेट करके फिर से यहाँ पर सेव वाले क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद जो हम लोग जो है यहाँ पर दिया है नीचे जाएंगे, इसको ऊपर करेंगे, और यहाँ पर फिदर दिया हुआ है, इसको जो हम लोग 60 डिग्री पर कर लेंगे, 60% कर लेंगे इसको, इसको जो है 60% कर लेंगे हम लोग। इसको 60% करने के बाद जो है नीचे अब यहाँ से बैक कर जाएंगे और फिर से इफेक्ट पर जाएंगे और सर्च मारेंगे हम लोग से एक्सपोजर गामा, एक्सपोजर गामा हम लोग सर्च मारेंगे। सर्च मारने के बाद इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो है हम लोग इस पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हम लोग गामा पर जाएंगे, गामा का जो हम लोग जो है सेट करेंगे -900 पे, 0.0900 पे जाएंगे, इसको सेट कर देंगे, सेट कर देंगे। फिर से इसके बाद बैक जाएंगे और यहाँ से जो है लेयर सेकंड जो हम लोग ऐड करेंगे, लेयर सेकंड ऐड करने के लिए फिर उसी पर फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे और फिर से यहाँ पर सर्च मारेंगे कॉपी बैकग्राउंड,
कॉपी बैकग्राउंड को फिर इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर से हम लोग एक्सपोजर एक बार बैक जाएंगे और एक्सपोजर गामा पर जाएंगे। एक्सपोजर गामा पर फिर से हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर सर्च मारेंगे एक्सपोजर गामा, एक्सपोजर गामा फिर से हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर इस पर जाएंगे और एक्सपोजर का जो है हम लोग इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। इसको जो है 0.36 पे कर लेंगे, 0.36 हो जाए, 0.36 पे कर लेंगे और गामा को -800 कर लेंगे, 800 पे ज़्यादा, 800 कर लेंगे, सही है 800 पे कर लेंगे। और ऑफसेट को जो है -0.08 पे कर लेंगे, .05 पे कर लेंगे। फिर यहाँ से बैक जाएंगे और इफेक्ट पे जाएंगे और सर्च मारेंगे सेचुरेशन, यहाँ से सर्च मारेंगे सेचुरेशन, सेचुरेशन सर्च मारेंगे, यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने से सेचुरेशन में जाएंगे और इसको 15% पे कर लेंगे, 15% पे। फिर से यहाँ पे बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद फिर से हम लोग जाएंगे स्पॉट कलर पे जाएंगे, फिर यहाँ से इफेक्ट मार जाएंगे और स्पॉट कलर जो है सर्च मारेंगे स्पॉट कलर, फिर यहाँ से इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। स्पॉट कलर थ्रेशोल्ड को जो है हम लोग जो है 200 पर कर लेंगे, थ्रेशोल्ड को 200 पर कर लेंगे और फिदर को 130% कर लेंगे, 130 130 कर लेंगे। नीचे जाएंगे और यहाँ पर चौक है, इसको जो हम लोग 1.50 पे सेट करेंगे, 1.50 पे नहीं, और नीचे जाएंगे हम लोग 1.30 पे सेट कर लेते हैं हम लोग इसको, चौक को जो है 1.3 पर सेट कर लेंगे। इतना सेट करने के बाद फिर से एक बार बैक जाएंगे और यहाँ से जो शार्पन सर्च मारेंगे इफेक्ट में जाकर, फिर से शार्पन सर्च मारेंगे, शार्पन शार्पन सर्च मारेंगे, फिर से इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो स्ट्रेंथ को हम लोग जो है 10.30 पर कर देंगे, यहाँ से जो है 10.30 और ये 10.30 पर इसको सेट कर लेंगे। अरे यार बढ़ जा रहा है यार थोड़ा सा हल्का सा, 10.30 पर सेट कर लेंगे। फिर से यहाँ से बैक जाएंगे और नया यहाँ पर थर्ड जो ऐड करेंगे, इसको फिल द कंपोजिशन एरिया पर फिर से क्लिक करेंगे और फिर से जो यहाँ सर्च मारेंगे इफेक्ट में जाकर कॉपी बैकग्राउंड, कॉपी बैकग्राउंड जो फिल्टर लगाएंगे हम लोग लेयर में, जो लेयर बता रहा हूँ लेयर थ्री में, अब जितने फिल्टर लगाएंगे लेयर थ्री में लगेंगे, इसके पहले जितने फिल्टर लगे थे लेयर टू में, फिर उसके पहले जितने लगे थे लेयर वन में, तो वैसे वैसे इफेक्ट लगेंगे, फिल्टर नहीं इफेक्ट लगेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम लोग जाएंगे सर्च मारेंगे कॉपी बैकग्राउंड सर्च मार लेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे लोग यहाँ सर्च मारेंगे हाईलाइट, हाईलाइट सर्च मारेंगे यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे और फिर इस पर जाएंगे और हाईलाइट्स को यहाँ पर 114% कर लेंगे, 114 नहीं 120 कर लेंगे, 120 कर लेंगे और शेडो को जो है 150 कर लेंगे, 150 नहीं कमी करेंगे, 130 पर रहने देते हैं, 130 भी कम ज़्यादा हो जा रहा है, 120 पे इसको हम लोग 120 पर सेट कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर से बैक जाएंगे और फिर सर्च मारेंगे सेचुरेशन, और फिर तुम्हारा सेचुरेशन सर्च मारेंगे, फिर स्क्वाड कर लेंगे और जो हम लोग यहाँ पर सेचुरेशन को जो 50 पर कर देंगे, सेचुरेशन को 50 कर देंगे यहाँ से, 50 करने के बाद फिर से यहाँ से एक बार बैक आएंगे और फिर जाएंगे इफेक्ट में और सर्च मारेंगे विगनेट, विगनेट फिर से यहाँ से स्क्वाड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर विगनेट पे जाएंगे और यहाँ से जो है साइज को है 66.3% कर देंगे, 66.3% यहाँ से विगनेट को कर देंगे साइज को, इसकी साइज को 66.3 66.3% कर देंगे और रूडनेस को जो है राउंडनेस को 127 पर कर देंगे हम लोग इसको,
और जो फादर दिया है इसको जो हम लोग 10.836 कर लेंगे। आठ सौ छत्तीस कर लेंगे। इतना नीचे आएंगे स्ट्रेंथ को जो है 600 कर देंगे। स्ट्रेंथ जो है इसको 800 से इसको 600 कर देंगे। छः सौ कर देंगे। फिर यहाँ से एक बार बैक जाएंगे, पूरा बैक चले जाएंगे और लेयर 4 जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको, फिर जाएंगे और फिर कंपोजिशन एरिया 3 रोड पर जाकर फिर कंपोजिशन एरिया कर देंगे। फिर इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे सर्च मारेंगे कॉपी बैकग्राउंड, कॉपी बैकग्राउंड सर्च मार के इसको ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ से एक बैक जाएंगे और यहाँ पे सर्च मारेंगे एक्सपोजर गामा। फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। ऐड करने के बाद जो है फिर इस पर जाएंगे और इसको सर एक्सपोजर को जो हम लोग करेंगे एक्सपोजर को जो है नो सेट करेंगे मेरी एक्सपोजर को या बताता हूँ, रुक जाऊँगा इसमें बताता हूँ कितना सर्च करना है इसको, मार सेट करना है -10 पे इसको सेट कर लेंगे हम लोग। -10 पे हम लोग इसको सेट कर लेंगे और गामा पे जाएंगे और गामा को जो है गामा को ज़्यादा हो जा रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। इसको हम लोग करेंगे 130, 1.030 पर कर देंगे, 1.030 इतने पर कर देंगे। और ऑफसेट पे जाएंगे और ऑफसेट को जो है 0.05 इतने पर सेट कर देंगे। इतना पर सेट करने के बाद जो है ऐसे एक बार बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद फिर से यहाँ पर जाएंगे और इफेक्ट पर सर्च मारेंगे यू लाइट यू शिफ्ट यहाँ सर्च मारने के बाद इसको ऐड कर लेंगे और ह्यू शिफ्ट पर जाएंगे और अपने हिसाब से जो है हम लोग कलर जो है सेट कर लेंगे यहाँ से। इसके जिस हिसाब से आपको कलर चाहिए उस हिसाब के यहाँ से कलर आप सेट कर लेंगे तो उस हिसाब से दिखाएगा। जो कलर आपको चाहिए यहाँ से उस कलर को आप लोग सेट कर लीजिएगा। तो मैं सेट कर रहा हूँ हल्का येलो पिंक पे, थोड़ा हल्का कर देता हूँ इसको। हाँ इतना पे नव सेट करने के बाद बैक करेंगे। यहाँ से बैक करने के बाद फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जो हम लोग ऊपर एरो दिया है यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद फाइनल वाला वीडियो जो है मेरे कैंसिल कर देंगे, यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे भी। यहाँ से अगर आप लोग को कोई म्यूजिक लगाना है तो हम म्यूजिक ऑडियो पे जाएंगे और यहाँ से अपना जो है म्यूजिक सेट कर लेंगे। मैं म्यूजिक सेट कर देता हूँ, डाउनलोड कर देता हूँ और यहाँ से म्यूजिक सेट कर देता हूँ। सार्कास्टिक वाला तो ऐसे लिखा था मैंने कि दिल तोड़ के कहता है वो बिजी होंगे कोई म्यूजिक रहेगा वाला तो ऐसे लिखा था मैंने कि दिल तोड़। म्यूजिक काफ़ी लंबा हो जाएगा और यहाँ से हम लोग हर एक जो इफेक्ट जितना लोग सेट किया है उसको यहाँ से जो पूरा कर लेंगे। यहाँ से जो है वीडियो इतना लंबा कर लेंगे, रुक जाओ एक बार बैक जाता हूँ यार। वीडियो पहले इसको डिलीट करता हूँ और इफेक्ट बढ़ाता हूँ। इफेक्ट जाएंगे और यहाँ से करेंगे और ऊपर दिया है एरो यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो एक बार में ही हो जाएगा। इसी तरह हम लोग जो है पूरे इफेक्ट को जो है पूरे लेयर को बढ़ा लेंगे। आप लोग इस तरह भी करके बढ़ा सकते हैं पूरा। इतना करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आप लोग यहाँ पे दिया है इसको क्लिक कर देंगे। फिर से पूरा कोने पर जाएंगे और फिर से दूसरी लेयर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो है एक बार में सेट कर लेंगे। तो इस तरह सभी लेयर को जो है हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह फाइनल हमारा वीडियो जो है तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। वीडियो का हम लोग म्यूजिक कम कर देंगे, वीडियो का म्यूजिक एकदम लो कर देंगे और यहाँ से जो है हम लोग आइडियो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है जो हमको अच्छा आइडियो लगेगा उसको जो है हम लोग ऐड कर लेंगे। किसको ऐड करेंगे हम लोग, मेरे पास काफ़ी म्यूजिक नहीं है लेकिन फिर भी मैं किसी को ऐड कर देता हूँ, इसी को कर देता हूँ।
कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। ये कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरा तजुर्बा भी, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा। यहाँ से जो है हम लोग वीडियो को जो है कट कर देंगे, जितना हम लोग का म्यूजिक रहेगा उतने के बाद वीडियो कट कर देंगे यहाँ से। फाइनली हमारा वीडियो जो है रेडी हो चुका है, तो कोशिश कर जाएंगे और यहाँ से जो है एक्सपोर्ट कर देंगे वीडियो को हम लोग। थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा यहाँ पर हम लोग को टाइम लगेगा, जब तक एक्सपोर्ट नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इसी ऐप पर बने रहेंगे। अगर ऐप से बाहर जाते हैं या बीच में कट कर दें तो पूरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो 1-2 मिनट लगेगा वीडियो, जितना वीडियो लंबा रहेगा उतना समय लगेगा, उसी हिसाब से समय लगता है। तो थोड़ा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा वीडियो यहाँ से सेव कर लेंगे और हमारा वीडियो जो गैलरी में चला जाएगा। तो फाइनली गाइस हमारा वीडियो जो है बन चुका है। तो इस प्रकार हम लोग जो वीडियो को एडिट करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं फिर से किसी न्यू एडिट वीडियो में, तब तक के लिए फ्री फायर जिंदाबाद।